नमस्कार, बीसी न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस महामारी के वक्त में एक खुशी की लहर जिला चिकित्सालय में देखने को मिली है, जब भाजपा के युवा नेता शुक्रन मिश्रा द्वारा 20 बेड के नए आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया गया। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि इस मुश्किल के वक्त में 20 बेड के इस आईसीयू से जिले की जनता को राहत मिल गई। साथ ही इस महामारी में लोगों का इलाज कर रहे स्टाफ नर्सों का कलेक्टर संजय कुमार एवं भाजपा नेता शुक्रन मिश्रा ने शॉल ओढ़कर सम्मान किया। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए युवा नेता शुक्रन मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार एवं प्रदेश के गृह मंत्री निरंतर महामारी के इस दौर में जनता की सेवा में लगे हुए हैं और शीघ्र ही भारत इस वैश्विक बीमारी से मुक्त हो। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरपी कुरेले, समाज सेविका श्वेता गोरे, अतुल भुरे, चौधरी आदि लोग उपस्थित थे। आज जिला अस्पताल में 20 बेड का इंटेंसिव केयर यूनिट का आज उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा भी हमारे पास एसडीओ और आईसीयू मेडिकल कॉलेज में लगभग 40 हैं। हम दतिया का पूरा प्रशासन, माननीय मंत्री जी, सभी यही प्रयास कर रहे हैं कि इस महामारी के समय में जनता की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हम कर सकें, मरीज जल्दी से जल्दी उपचार पाकर स्वस्थ होकर अपने घर जा सकें और भारत इस वैश्विक महामारी से जल्द उभरे, ऐसी हमारी माई से प्रार्थना है। बीसीएन न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। देश ही नहीं पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसका सिर्फ एक इलाज है, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। देश के प्रधानमंत्री से लेकर गांव का एक कोटवार भी मास्क में दिखाई दे रहा है, लेकिन देवास जिले की प्रभारी मंत्री आज खाते का दौरे पर निकली, जिसको देखकर यह उम्मीद भी नहीं की जा सकती है क्या एक मंत्री बिना मास्क के घूमेगी तो आम जनता इससे क्या सबक लेंगे। इस भयंकर महामारी में बिना मास्क के पूरे समय प्रभारी मंत्री दिखाई दी, आम आदमी इससे क्या सीख लेगा। आज शासन प्रशासन के नुमाइंदे बिना मास्क वाले को देखते ही चालान काट रहे हैं। आज प्रभारी मंत्री को बिना मास्क घूमते हुए किस प्रशासन के नुमाइंदे ने चालान जताया। चालान बनाना तो दूर, उनसे यह तक नहीं कहा गया होगा कि आप मास्क लगाए। क्या जनता के लिए नियम कानून अलग है और जिन्हें जनता ने चुना है उन जन प्रतिनिधियों के लिए अलग कानून है। जब मीडिया ने प्रभारी मंत्री से मास्क को लेकर यह सवाल किया तो प्रभारी मंत्री ने हंसकर टाल दिया। क्या है आपके कार्यकाल के बाद तो क्या क्या आपने इसमें संशोधन कराया, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई? सीसीसी सेंटर कोविड केयर सेंटर है जी, उनका निरीक्षण था और बहुत ही बेहतर तरीके से वो सेवाएं दे रहे हैं और बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सर्जिकल और मेडिकल जितने भी आइटम्स हैं वो जरूरत से ज़्यादा भाव पर ना बिके ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है। परचेजिंग प्राइस से 20% ज़्यादा पर कोई बेच नहीं पाएगा। यदि ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो हमारे आशीष जी, हमारा प्रशासन सब कठोरतम कार्यवाही करेंगे। मैडम, लोगों में चर्चा है कि आपके द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया गया। बंधु, मैं जब 2 गज की दूरी पर कोई मिलता है जी और उससे पास आता है तो मैं गमछे से अपना मुंह बांधती हूँ, मैं गमछे का उपयोग करती हूँ। हाँ, क्योंकि आज ये देखा गया है मेहमान वगैरह के आपके कार्यक्रम में कि आपने मास्क का उपयोग नहीं किया हुआ। गमछा मैंने बांधा हुआ है और ठीक है। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से अरुण उइके की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कोविड-19 महामारी के दौरान नगर पालिका परिषद क्षेत्र में स्वच्छता अभियान की ऐसी पोल खुलती नजर आ रही है जो पूरी तरह बीमारी की चपेट में क्षेत्र को धकेलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला शिव दयालपुरा पिरबाहुद्दीन में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय एवं एक धार्मिक स्थान के बीच में नगर पालिका परिषद द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण के लिए एक कूड़ा संग्रह बनाया गया है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र से आकर एकत्रित होने वाली गंदगी के कारण लोगों को कूड़े की गंदगी से जीना दुभर हो गया है। कूड़ा घर के आसपास नालों में भी कूड़ा जमा रहता है। इस संबंध में जब क्षेत्रवासियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा लगातार 3 वर्षों से नगर पालिका प्रशासन
उप जिला अधिकारी एवं जिला अधिकारी से शिकायत की जा चुकी है और तो और उनके द्वारा जब कूड़े की आने वाली गाड़ियों को रोक लिया जाता है तो नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उन्हें शीघ्र उनकी समस्या का निदान करने का आश्वासन देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। आज कोविड 19 महामारी अपना रंग दिखा रही है तो ऐसे में क्षेत्र को महामारी की चपेट में आने से कैसे बचाया जाए यह बड़ी समस्या क्षेत्रवासियों की बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजाद, यहाँ का पार्षद, मेरी मम्मी है और मैं इनका बेटा हूँ, सारा काम मैं ही करता हूँ। जैसा कि यहाँ कूड़े के अंबार लगे हैं, सामने मस्जिद भी है और नाले में गंदगी भी है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये गलत है, मस्जिद के सामने मदरसा भी है, ये भी गलत है। यहाँ गुरुद्वारा भी है और यहाँ दरगाह भी है और स्कूल भी है, बाबा अम्बेडकर जी का स्कूल भी, छोटे छोटे 5 साल के बच्चे पढ़ते हैं इसमें। तो आपने इसकी शिकायत किसी से की कि यहाँ कूड़ा डाला जा रहा है? मैंने चीफ साहब से भी शिकायत की है, चेयरमैन साहब से भी शिकायत की है, कोई भी। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मुझे आश्वासन ये दिया कल को हो जाएगा, परसों को हो जाएगा। अभी तक कोई कार्य नहीं, कोई इस पर कार्य नहीं हो पाया। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से मोहल्ले से बस्ती से ये कूड़ादान हटना चाहिए और इसकी स्थान कहीं और भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से राहत मिल जाएगी लोगों को। क्या नाम है आपका? हमारे मत नाम है। चाचा कौन सा मोहल्ला है और यहाँ जो गंदगी की समस्या है इस पर क्या कहना चाहेंगे? मोहल्ला शिद्यालपुरा पीर बाहुद्दीन, ये बीच में यहाँ पर इसमें आबादी में ये कूड़ेदान बना हुआ है, काफी परेशानियां सामने आ रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। पिछले कई सालों से लगातार कोशिशें जारी हैं, बारिश आती है तो पानी भर जाता है, ढाटे लगा के निकलना पड़ रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, बच्चे घर घर में बीमार हैं, डॉक्टर भी नहीं मिल पा रहे हैं इस कूड़ेदान की वजह से। आपने इसकी शिकायत नगर पालिका जो की है, हमारे मेंबर साहब जो वार्ड के आजाद मेंबर जो हैं उन्होंने दर्जनों एप्लीकेशन दी हैं और अधिकारियों को बराबर मायने भी कराए हैं, कई मरतबा आए हैं और साथ में यहाँ मदरसा देख रहे हैं, ये मस्जिद है, मस्जिद के लिए भी लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं मौलाना के पास मिलने, हर तरह का लोग इंसान आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पर, कोई तादाद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल येरा करीब में ही है, मासूम बच्चे पढ़ाई करते हैं, सब बीमार पड़ों में हैं इस कूड़ेदान की वजह से। तो अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन नहीं? भाई ये कह देते थे कि कराएंगे कराएंगे, अब आपके सामने हालात हैं, अब हम यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। मोहल्ले के तमाम मकान की औरतें लेडीजें परेशान है, बच्चे परेशान है, रो रहे हैं, अब यहाँ हम पढ़ने नहीं देंगे कूड़े, कुछ हम जमीन के ऊपर लेट जाएंगे। अगर नगर पालिका ने या डीएम साहब ने हमारी बात को नहीं सुना, इसको देख करके तमाम सड़क पे लोग बच्चे औरतें मर्द सब लेट जाएंगे। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे, देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।